हेलो फ्रेंड्स, मैं एम के टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी सूट के कॉलर नेक में शोल्डर और आर्म होल कैसे लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये हमने अपना फ्रंट पार्ट बिछा लिया है। इस पर सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे जो हमारा 7.5 इंच का होगा। और अगर हम कॉलर नेक बनाते हैं तो इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे जो कि हमारा 8.5 इंच का होगा। और अगर हम डीप गला बनाते हैं तो हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। नॉर्मल में हम 7 इंच का लगाते हैं और कॉलर वाले में 8 इंच का लगाते हैं। एक निशान यहाँ पर इसकी सीध में लगाकर इसे मिला लेंगे। एक निशान हम यहाँ पर तीरे की सीध में लगाएंगे 7.5 इंच पर और 6.5 इंच पर फ्रंट का निशान लगाएंगे। इसे मिला लेंगे और इसे भी मिला लेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और ये हमारा बैक का है, इस पर हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई है और ये हमारी बैक की गोलाई है। ये हमारा शोल्डर है जो 1 इंच प्लस किया हुआ है और ये हमारा फ्रंट है। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपनी ब्रेस्ट की मार्किंग करेंगे जो हमारी 11 इंच है और 2 इंच इसमें मार्जिन देंगे। यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 15 इंच का निशान लगाएंगे। और कमर हमारी 38 इंच है तो इसका चौथा भाग होगा 9.5 और 2 इंच का मार्जिन। हिप हमारी 11.5 इंच है और 2 इंच का इसमें भी मार्जिन और इन्हें मिला लेंगे। इसके बाद हम घेर का निशान लगाएंगे। ये हमारा 11.5 है और 2 इंच का मार्जिन लेकर हमारा 13.5 हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पर 13.25 इंच का निशान लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा, और इन्हें मिला लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी बार की कटिंग होगी और यहाँ पर 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। और 3 इंच हमारी गले की चौड़ाई है और इन्हें मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हम बैक साइड से करेंगे। फ्रंट की कटिंग हम बाद में करेंगे। ये हमारी गले की चौड़ाई है 3 इंच और ये नीचाई हमारी 3.5 इंच। एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ पर हम इसे गोलाई देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वी शेप करेंगे। इसे बिल्कुल गोलाई में ना काट कर थोड़ा सा वी शेप में काटेंगे। इसके बाद हम कुर्ता पट्टी की कटिंग करेंगे। ये हमारी नॉर्मल 9 इंच होती है लेकिन ये हमने 4.5 इंच करनी है। ये हमारे कस्टमर की डिमांड है
इसको हमने इतना ही कट करना है। ये हमारी फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम बैक पार्ट बिछाएंगे और इस पर हम फर्स्ट पार्ट को सेट कर लेंगे। बैक पार्ट हम 1 इंच ऊंचा लेंगे, यहाँ भी 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ भी, और इन्हें मिला लेंगे। अब 1 इंच हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसके बिल्कुल सीध में मिलाएंगे और इसको कट कर देंगे। इसको भी कट कर देंगे। ये हमारी पट्टी का है और ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। इसके बाद हम आर्म होल का मेजर करेंगे। ये हमारा पूरा साइड 10 इंच आना चाहिए, हमारी बस्ट का चौथा हिस्सा। ये हमारा पूरा है साइड 10 इंच। अब इसको कट कर लेंगे। एक कटिया और एक कटिया। ये हमने कटिंग पूरी कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।